हेलो नमस्कार जय जिनेन दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर दीपक अडवाणी मेरे चैनल होम्योपैथिक वाइंस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग भलीभांति रूप से परिचित हैं कि मैं आप लोगों के लिए डे बाय डे न्यू वीडियोस लॉन्च करता हूं, होम्योपैथिक मेडिसिन एंड डिजीज के बारे में पूरी विस्तृत से जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन कह लीजिए जिसके बारे में हो सकता है आपने किसी यूट्यूब चैनल पर या इवन गूगल पर भी सर्च किया हो तो पूरी जानकारी अवेलेबल नहीं कराई गई हो, गर्सिनिया कंबोजिया। हाँ जी, एक नेचुरल फैट कटर होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके बारे में मैं डिटेल रिव्यू अनबॉक्सिंग करूंगा, बताऊंगा उसके डोजेस एक्चुअल में ये इफेक्टिव है या नहीं है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने का प्रयास करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। तो आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है आगे चलकर। तो आप लोगों को अगर पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक एंड शेयर बिल्कुल कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही जितने भी होम्योपैथिक रिलेटेड वीडियोज हैं वो आपके समक्ष उपस्थित होते हैं, आप उस पूरी जो प्लेलिस्ट है वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं गर्सिनिया कंबोजिया के बारे में, जिसे हम लोग कॉमन भाषा में कहते हैं गमी गुट्टा। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सबसे पहले मैं तो ये एक प्लांट हर्ब है, प्लांट स्पीसीज से रिलेटेड इंडोनेशिया में कल्टिवेट होने वाला एक प्लांट है। इसकी खास बात देखिए ये होती है कि इसको हम लोग किचन स्पाइसेस के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और हमारे होम्योपैथिक जो पद्धति है उसके अंदर मेडिसिन भी इसकी प्रिपेयर की जाती है। इसकी जो मैं बात करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, ऐसे मलाबार टैमरिंड या पॉट टैमरिंड भी हम लोग इसे के बारे में जानते हैं, ये साउथर्न एशियन कंट्रीज जो होती हैं वहां पर कल्टीवेट होता है, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा, यहां पर ये लोग किचन स्पाइसेस या होम स्पाइसेस के रूप में भी इसे करीज में या जो सब्जी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें इसका जो फ्रूट होता है, खास बात इसके फ्रूट के अंदर ही होती है, पंपकिन शेप का इसका फ्रूट होता है, हरे रंग से हल्के पीले रंग का आपको फ्रूट दिख जाएगा स्क्रीनशॉट पर। इसे ड्राइड करके फिर सब्जियों में डाला जाता है, सार टेस्ट का होता है, बड़ा खट्टा टेस्ट होगा इस फ्रूट का। होम स्पाइस से लेकर होम्योपैथिक में एज अ मेडिसिन गर्सिनिया कंबोजिया गमी गुट्टा को यूज में लिया जाता है। ये इम्पोर्ट प्लांट होने के साथ साथ इंडिया में भी कुछ जगह जैसे कि आसाम हो गया, केरला, कर्नाटका में भी ये कल्टीवेट आपको होता हुआ दिख जाएगा। इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर एक फाइटोकेमिकल पाया जाता है हाइड्रोसिट्रिक एसिड, जो कि एक नेचुरल फैट बर्नर, नेचुरल फैट कटर का काम करता है। स्लाइटली एडवर्स इफेक्ट होते हैं इसके, बिल्कुल माइल्ड साइड इफेक्ट कह लीजिए, इतने ज्यादा नहीं होते, बिल्कुल माइल्ड ही होते हैं। इसीलिए हमारे होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में इसे पोटेंटाइज करके, एनालाइज करके फिर इसका जो मेनली मदर टिंचर लोअर पोटेंसी में ही इसे गर्सिनिया कंबोजिया की ड्रॉप्स कह लीजिए या मदर टिंचर प्रिपेयर किया जाता है। तो ये हुई पूरे प्लांट के बारे में एक तरह से जानकारी मैंने दी। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अनबॉक्सिंग करना चाहूंगा गर्सिनिया कंबोजिया को। देखिए ये मैं अनबॉक्स कर रहा हूं इसको, 30 ml पैक साइज आपको दिख जाएगा, ये देखिए इस साइज का है, ₹350 इसकी MRP बता रहा है ये। इसको आप लोग अगर डोजेज में लेना चाहें तो 15-15 बूंद दिन में 3 बार गुनगुने पानी में गर्सिनिया कंबोजिया गमी गुट्टा को आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो एक तरह से मान लीजिए आपकी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है, पूरा जो मेटाबॉलिज्म है, फैट एक्स्ट्रा चर्बी है आपकी बॉडी में किसी भी एरिया, किसी भी पार्ट में, स्पेशली फीमेल्स अपने टमी से परेशान हो जाती हैं, हिप्स वाले पोर्शन से परेशान हो जाती है, मेल्स जो होते हैं वो भी अपने मोटापे से परेशान हो जाते हैं, तो फैट बर्नर या फैट कटर नेचुरली ये आपके गर्सिनिया कंबोजिया उसको कट करने का काम करता है। जो मैंने डोजेस बताए उस अगर डोजेस में बिल्कुल आप यूज करेंगे रेगुलरली तो आपको बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया आपकी ब्लड शुगर, बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है, लिपिड प्रोफाइल को भी मेंटेन करने का काम करेगा, जितना भी फैट या एक्स्ट्रा चर्बी है बॉडी में से उसको भी रिड्यूस करेगा या उसको काटने का काम करेगा, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको भी बूस्टअप करता है, बॉडी की एनर्जी को भी बूस्टअप करता है, फैट को बर्न करने का काम गर्सिनिया कंबोजिया ही करता है। इसकी जानकारी जैसे कि मैंने बताई एक इम्पोर्टेड हर्ब है, इजीली इंडिया में तो अवेलेबल नहीं होता है, बट अभी के समय में कुछ एक दो सालों से अच्छा इसका रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो आप लोग भी इसे यूज करना चाहें तो नेचुरली फैट बर्नर के रूप में गर्सिनिया कंबोजिया यूज कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो यू ही फैट बर्नर या फैट कटर नेचुरली तरीके से
कट करने के लिए कर्सिनिया कंबोजिया के बारे में जानकारी, अगर आप इसके बारे में इसके अलावा और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में ईमेल और परचेजिंग लिंक दिए हुए, वहां पर भी जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं आप लोगों के लेकर आऊंगा, तब तक के लिए जुड़े रहेगा ओम्पैथिक माइंड्स पर। लाइक एंड शेयर करते रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।